राजस्थान के हनुमानगढ़ के नोहर में जिला कलेक्टर कानाराम ने ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में आम जनता की समस्याएं सुनी, जहां जनसुनवाई में 228 परिवादियों की शिकायतों को जिला कलेक्टर ने संवेदना पूर्वक सुना। जिला कलेक्टर ने तुरंत 228 में से 73 परिवादियों को राहत दी और शेष के मामलों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को शीघ्रता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई के तहत अधिकतर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हुए अतिक्रमण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी बंद और लीकेज, तहसील स्तर पर लंबित कार्य इत्यादि से संबंधित परिवाद प्राप्त हुए हैं। हनुमानगढ़ से संवाददाता राजरतन पारीक की रिपोर्ट। जन सुनवाई वो नोहर में की है और लगभग 225 के आसपास जो है वो परिवादी उपस्थित हुए हैं। उसमें मुख्यतः अतिक्रमण को लेकर, चाहे वो नगरपालिका क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, इसके अलावा जल जीवन मिशन के कार्य को लेकर जहाँ रुके हुए हैं या बंद है या पानी लीकेज है, उसकी काफ़ी शिकायतें रही है। तहसील स्तर पे कुछ कार्य पेंडिंग है, उनको लेकर भी लोगों की शिकायतें रही है। सभी अधिकारियों को हमने पाबंद किया कि जितनी भी परिवेदनाएँ आई हैं इनका अगले 15 दिनों के अंदर परीक्षण करें और लोगों को राहत देने का प्रयास करें, और इसका हर महीने जो फॉलोअप लिया जाएगा कि कितनी शिकायतें आई है, उनका किस तरीके से निस्तारण।